हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट तरीका। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन रिलेटेड क्या अपडेट निकल के आ रही है, साथ ही इंडियन गवर्नमेंट की ओर से क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। इस न्यूज़ के बाद कई क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जिनकी ट्रेडिंग पर इंडिया में बैन लग सकता है। तो कौन से वो कॉइन होने वाले हैं जिन पर इंडिया में बैन लग सकता है, उनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। सबसे पहले दोस्तों, हम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पर अगर नज़र डालें तो आप देख सकते हो 3.74% मार्केट लास्ट डे से इंक्रीज़ हो चुका है। तो 1-2 डे से दोस्तों जो मार्केट था वो कंटिन्यू डिक्रीज़ हो रहा था, उसने फाइनली रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। और आज आप यहाँ पर देख सकते हो बिटकॉइन में भी अराउंड 3% का पंप देखने को मिल रहा है, साथ ही इथेरियम में भी अराउंड 4% का पंप देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन और इथेरियम अगर पंप कर रहे हैं तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जितने भी अल्ट कॉइन है उनमें भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। सोलेना में अराउंड 5% का पंप देखने को मिला, एडीए भी अच्छा खासा पंप कर रहा है। जितने भी दोस्तों अगर कॉइन की हम बात करें अल्ट कॉइन की, काफ़ी अच्छे यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। मॉर्निंग में दोस्तों इनका जो पंप था अराउंड 10% तक चले गया था। अब अगर हम शिबा इनू कॉइन की बात करें तो शिबा इनू कॉइन में भी दोस्तों मॉर्निंग में अराउंड 10% या ऊपर का पंप हमें देखने को मिल रहा था। अभी अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो अभी इसका करंट प्राइस है 0.003651। अगर आप वजीर एक्स या बाइनेंस पर देखोगे आपको थोड़ा जो प्राइस है ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। और लास्ट 24 आवर की अगर बात करें तो अराउंड 4% का पंप अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग में पंप अराउंड 10% का था, अभी फिलहाल 4% का देखने को मिल रहा है। अगर आप दोस्तों इसकी रैंकिंग देखोगे तो फिलहाल 11th नंबर पर ये रैंक कर रहा है। इंट्राडे हाई और लो की बात करें तो इसने लो टच किया था 0.003445 और हाई टच किया था 0.003861। तो 38 तक इसका जो प्राइस था वो मॉर्निंग में चले गया था, अभी फिलहाल 36 के रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसका आप चार्ट भी देखोगे तो आप इसके चार्ट में देख सकते हो दोस्तों, कंटिन्यू यहाँ पर एक मॉर्निंग में एक पंप देखने को मिला था, उसके बाद थोड़ा सा डाउन आया और कंटिन्यू साइडवेज मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो काफ़ी हद तक ये अब स्टेबल हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इसके चार्ट को, इसके चार्ट को देख के यही लग रहा है कि अभी काफ़ी हद तक ये स्टेबल हो चुका है। अब यहाँ पर बड़े ब्रेकआउट की यहाँ पर सभी को उम्मीद है। दोस्तों, बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की ओर से क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, वो इंडियन गवर्नमेंट की ओर से वेरीफाई न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, उनके जो गवर्नमेंट सोर्स है उनके थ्रू रिपोर्ट निकल के आ रही है। तो इनकी रिपोर्ट पर दोस्तों हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी जेन्युइन वेबसाइट है। अब न्यूज़ क्या है अगर हम देखें, इंडिया कंसिडर्स अलाउइंग ओनली प्री अप्रूव्ड क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो रेगुलेशन एक्सपेक्टेड बाय ईयर एंड। एक तो इन्होंने क्रिप्टो रेगुलेशन की बात कही है और कहा है कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इस ईयर के एंड तक क्रिप्टो रेगुलेशन बिल आ सकता है। साथ ही जो बड़ी न्यूज़ है आप यहाँ पर देख सकते हो, इंडिया कंसिडर्स अलाउइंग ओनली प्री अप्रूव्ड क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, इंडिया उन्हीं क्रिप्टो करेंसी को अलाउ करने वाला है जो प्री अप्रूव्ड रहेगी। किसके थ्रू प्री अप्रूव्ड रहेगी? गवर्नमेंट के थ्रू। पहले इंडियन गवर्नमेंट हर क्रिप्टो करेंसी को प्री अप्रूव्ड करेगा, उसी के बाद इंडिया में दोस्तों ट्रेडिंग की जाएगी। पहले हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर क्रिप्टो करेंसी को वेरीफाई करेगा, उसके बाद अप्रूव्ड करेगा, उसी के बाद इंडियन जो एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज जिन पर हम ट्रेडिंग करते हैं, उन पर ट्रेडिंग के लिए वो क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल रहेगी। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, जब यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन बिल आ जाएगा उसके बाद इंडिया में उन्हीं क्रिप्टो करेंसी पर हम ट्रेडिंग कर सकेंगे जो दोस्तों हमारी गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड रहेगी, जो पहले से वेरीफाई कर ली जाएगी, अप्रूव्ड कर दी जाएगी, उन्हीं पर हम दोस्तों ट्रेडिंग कर सकेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे युवा है, जो इंडिया के जितने भी ट्रेडर्स है उनको दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा लॉस नहीं हो। काफ़ी क्रिप्टो करेंसी ऐसी रहती है जिनका जो प्राइस है कभी ज़्यादा पंप कर जाता है और कभी ज़्यादा डंप कर जाता है, साथ ही कुछ क्रिप्टो करेंसी ऐसी रहती है जो बाद में स्कैम कर जाती है। अभी अगर हम स्क्विड गेम टोकन की बात करें तो उसका जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ, लेकिन अचानक से उसके बाद जीरो पे आ गया। तो इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से उस पर ध्यान रख रही है कि ऐसी क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं की जाए जो एक स्कैम कर सके। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, अभी गवर्नमेंट की ओर से वेरीफाई न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और काफ़ी बड़ी वेबसाइट की ओर से आ रही है, तो इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर अपडेट की बात करें कि शिबा इनू कॉइन रिलेटेड क्या अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप सोच रहे हो कि शिबा इनू कॉइन और दूसरे मीम कॉइन है इन पर भी बैन लग सकता है, दोस्तों ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है और जितने भी बड़े और जेन्युइन प्रोजेक्ट है, जो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, इन पर बिल्कुल भी बैन नहीं लगने वाला। सिर्फ उन क्रिप्टो करेंसी पर बैन लग सकता है जिनका स्कैम को ज़्यादा चांस रहते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा मीम कॉइन आ रहे हैं, अगर बात करें दोस्तों तो इतने ज़्यादा फ्लोकी इनू आ चुके हैं, रेड फ्लोकी इनू, ब्लू इनू, उसके बाद डोज कॉइन भी कई प्रकार के आ चुके हैं। तो कई दोस्तों ऐसे फेक क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में आ रही है जिन पर ट्रस्ट करना थोड़ा एक बड़ी बात हो जाती है, डायरेक्ट उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। अगर दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट पहले से वेरीफाइड कर देगी, अप्रूव्ड कर देगी, तो उस पर हम आसानी से दोस्तों यहाँ पर ट्रस्ट करके ट्रेडिंग कर सकेंगे। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम एक बार दोस्तों यहाँ पर जो सीबाइन को रिलेटेड अपडेट निकल के आ रही है उन पर नज़र डाले दोस्तों। जो बाइनेंस एक्सचेंज की ओर से काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो, बाय सिब विथ USDT नाउ अवेलेबल ऑन ओवर क्रिप्टो बाय क्रिप्टो पोर्टल। दोस्तों जो बाइनेंस का बाय क्रिप्टो पोर्टल है उस पर यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को अवेलेबल कर दिया है, तो आप वहाँ से USDT से डायरेक्ट से शिबा इनू कॉइन बाय कर सकते हो। जितने भी बाइनेंस यूज़ करते हैं उन्हें यहाँ पर पता होगा बाय क्रिप्टो पोर्टल के बारे में। साथ ही दोस्तों रॉबिनहुड की ओर से एक न्यूज़ निकल के आई थी, एक ट्वीट किया उन्होंने क्रिप्टो और फ्राइज। तो दोस्तों कल ही मैकडोनाल्ड ने क्रिप्टो को लेकर शिबा इनू कॉइन के एक्सेप्ट करने पर एक रिप्लाई किया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रॉबिनहुड ने एक ट्वीट किया है क्रिप्टो फ्राइज। दोस्तों रॉबिनहुड यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को लगातार यहाँ पर ट्वीट करता रहता है, लेकिन अभी लिस्टिंग के रिलेटेड कोई यहाँ पर न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर शिबा इनू कॉइन की बर्निंग की बात करें तो लास्ट 24 आवर में आप यहाँ पर देख सकते हो 357 मिलियन से भी ज़्यादा कॉइन को बर्न किया जा चुका है। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में दोस्तों बर्निंग हुई है, 10 ट्रांजैक्शन ऐसे हुए लास्ट 24 आवर में जिनके थ्रू शिबा इनू कॉइन की बर्निंग की गई। तो 357 मिलियन दोस्तों कॉइन को बर्न किया गया, तो कंटिन्यू एक बड़ी क्वांटिटी में शिबा इनू कॉइन की दोस्तों बर्निंग यहाँ पर कंटिन्यू हमें होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही अगर और न्यूज़ की हम बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो शिबा इनू कॉइन है उसको और पेमेंट के रूप में यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एप्पल के जो एयरपोर्ट्स है वो आप यहाँ पर ले सकते हो, एक्सबॉक्स के गेम ले सकते हो, और यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों और अपडेट की बात करें तो crypto.com की ओर से न्यूज़ निकल के आई थी, इन्होंने डोजकॉइन और शिबा इनू कॉइन को उनका जो कॉर्नर्स नेटवर्क है उस पर भी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कर दिया था। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के लिए निकल के आ रही है दो बड़े एक्सचेंज की ओर से। crypto.com भी काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है और बाइनेंस की ओर से भी। अब यहाँ पर दोस्तों जो विजिबिलिटी है अगर हम शिबा इनू कॉइन विजिबिलिटी की बात करेंगे वो सामने अब शो होने वाला है, तो काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर शिबा इनू कॉइन में जो ट्रेडिंग है वो ज्यादा इससे बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आज की ये अपडेट थी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।